जय माता दी साथियों, मेरा नाम विश्वकर्मा। आज आपको अपने चैनल विश्वकर्मा में एक नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो चैप्टर है वो फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ण ध्वनि। हम ये भी इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है कुल 26 वर्ण है। इन वर्णों को बोलते समय इनकी ध्वनि कैसे उच्चारित होती है, इन ध्वनि को बारे में बताएंगे कि इन 26 वर्णों में किसकी क्या ध्वनि होती है। यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो वर्ण ध्वनि एक है इंग्लिश के छोटा बड़ा है। इंग्लिश के छोटा बड़ा को ही फोनोलॉजी कहते हैं। तो प्रत्येक इंग्लिश के 26 वर्णों को बोलते समय प्रत्येक वर्ण की जो हिंदी में ध्वनि उच्चारित होती है उसे इंग्लिश में फोनोलॉजी या वर्ण ध्वनि कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनोलॉजी या वर्ण ध्वनि कहते हैं। तो देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का उच्चारण करते समय जो वर्णों की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? फोनोलॉजी कहते हैं। इसी फोनोलॉजी को ही क्या कहते हैं? वर्ण ध्वनि। कोई भी हम इंग्लिश का वर्ण पढ़ते हैं उन वर्णों को पढ़ते समय जो ध्वनि उत्पन्न हो उसे कहते हैं फोनोलॉजी या वर्ण ध्वनि। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में कुल कितने वर्ण होते हैं? इंग्लिश में कुल 26 वर्ण होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T। इसके बाद शादी विस्तृत करके लिख गए हैं तो आप इंग्लिश अल्फाबेट में देख सकते हैं कितने ही वर्ण होते हैं। हम आपको पहले भी बता रहे हैं अभी बता रहे हैं कि फोनोलॉजी को एक सामान्य शब्द में इंग्लिश के छोटा बड़ा और इंग्लिश की वारह खड़ी कहते हैं। सामान्य शब्दों में ये माइंड में अच्छी तरह फिट कर लें। तो जैसे अपन इंग्लिश को में आपको क्या बोलते हैं, हिंदी में आपको पढ़ते हैं आकाशवाणी और मात्रा बनती है इसकी छोटा की, बड़ा की मात्रा बनती है। बाकी क्या कहते हैं? बी। साथ सी भी पढ़ती है और का भी पढ़ती है। डी को क्या पढ़ते हैं? दा भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। ई को क्या पढ़ते हैं? छोटी को आती है ई से बनती है और इसकी मात्रा भी होती है। एफ को हा कहते हैं, जी को जा कहते हैं और जा भी पढ़ते हैं, एच को हा पढ़ते हैं। जो आई होती है इसकी क्या बनती है? छोटी की मात्रा। या छोटी जी किससे बनता है? जा से। का का उत्तर कैसे? एल ला, एम मा, एन ना, ओ को। अर्धचंद भी ओ से ही बनती है। पा पी, क्यू क्यू भी कह सकते हैं। आर रा, एस सा, इसको बन जाएगा तात खड़ी है टी सी और टा से। पावन यू, ये यू लिखा है, यू को क्या बनाते हैं? या एक, इससे या एक भी बनता और आप भी बनता छोटा। बी किससे बनती है? आप से। डब्ल्यू से वा भी बनता है और एक्स से जा बनता है और छा बनता है। जैसे अपन लक्ष्मण लिखते हैं लक्ष्मण में जो एक्स छा छत्री बनता है इसके लिए भी लिखेंगे एल ए एक्स एम ए। यहाँ पर एक्स का क्या बना? छा। और एक्स भी बनता है इसके लिए वाई या बड़ी की मात्रा जेड। तो यह थी फोनोलॉजी। ये तो क्या थी? फोनोलॉजी। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विश्वकर्मा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे जैसे भी नया कोई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंचा सकूँ। तो थोड़ा सा और आप देखें यहाँ पर जो एस है इससे जा भी बन जाता है, इससे क्या बन जाता है? जा भी बन जाता है। तो यह थी इंग्लिश की फोनोलॉजी। अब अगले पार्ट में मैं लेकर आऊँगा कि किसी भी वर्ण को अपन लिखते हैं तो उसे लिखा कैसे जाता है, इसे कन्वर्ट करके लिखते क्यों है।
स्मरणों के लिए, देखने के लिए मेरे साथ आप यूं ही बने रहें। जय माता दी साथियों।